नमस्कार, मैं हूं अश्वनी और इस वक्त मैं बनारस में मौजूद हूं, बनारस के अस्सी घाट पर। और आज हम कुछ करने वाले हैं। क्वेश्चन, क्या नाम है वैसे? प्रिया दुबे। प्रिया दुबे, और आपका? दीपा दुबे। आ जाए ना दोनों लोग, आप साथ में आ जाए थोड़ा। सर अच्छी गोरी गोरी एकदम अच्छी आ रही है ना, वैसे भी गोरी गोरी मैम। फोटो भाई सब कुछ ज्यादा नहीं हो गया? एक अच्छा एक सवाल है हमारा, पूछिए। हाँ देखिए, अब रेडी हो गई हैं थोड़ी सी। तो कि ऐसी क्या चीज है जो सोने की है पर सोने से भी सस्ती है? गुड क्वेश्चन, बताइए। इधर देखिए ना, बताओ प्रिया, आप बताओ। सोने से भी सस्ती है? हाँ। ऐसी क्या चीज है जो सोने की है पर सोने से भी सस्ती है और वो सुनार के दुकान पे नहीं मिलती? नींद। कुछ भी? नींद। सही डायरेक्शन में जा रहे हैं पर। और हाँ, नदी। नदी? हाँ। नहीं तब? नहीं बता, जो लोग देख रहे हैं प्लीज आप लोग बताइए। ऐसा कौन सा जानवर है जो इंसानों की तरह, इंसान के बच्चों की तरह रोता है? ऐसा कौन सा जानवर है जो इंसान के बच्चों की तरह रोता है? हाँ, बिल्ली। क्या बोला तूने? बिल्ली। नहीं नहीं, ये बच्चे के बच्चे। नहीं बता आपको? टका टक खा रहे थे। आप भी खा सकते हो। हाँ कोई नहीं। वो कौन सा पेड़ है जिसके नीचे अगर इंसान खड़ा हो जाए तो वो जल जाए? ऐसा कौन सा पेड़ है? नहीं पता। आपको पता है क्या? नहीं हाँ? पता है। ऐसा क्वेश्चन क्यों कर रहा है जो नहीं पता? मुझे अपने घर जाना है। ये जो लोग देख रहे हैं आप लोग बताएं, खाने वाली ऐसी कौन सी सब्जी है या फिर ऐसा कौन सा चीज है जो उल्टा पढ़ने पर लड़की का नाम आता है? अरे कहना क्या चाहते हो? हम लोग अक्सर यूज करते हैं, वो खाते भी हैं। अरे नमक लगा लगा के। आप बताएं। हाँ, इमली। इमली? आम। आम? आम अम्मो आ, ये नहीं है ऐसा कुछ। ओ अच्छा, ऐसा ना। हाँ आप बताइए। नहीं नहीं पता। आप बताइए। ककड़ी। ककड़ी? ककड़ी उल्टा आप करिए क्या होगा? ककड़ी डी का कुछ भी। कुछ भी उल्टा करने। सही जगह पहुंच रहे हैं लेकिन नहीं पहुंच पाए। मैं बताऊं? हाँ तो क्या प्राइस हो गया हमें? कुरकुरे। भाई कुरकुरे मिल जाएगा। चल क्या नाम है मैम आपका? पारिशा। पारिशा, और आपका? विशाल। गोविंद। कहाँ से आए हैं? मैं यही BHU की स्टूडेंट हूँ, मुरादाबाद से आई। क्या बात है। हम भाई हरियाणा से हैं, गोरखपुर UP। आपके पापा की पत्नी की बेटी की मम्मी क्या लगेंगी आप? दादी। दादी, क्या बात है। एब्सोल्युटली राइट, बहुत जबरदस्त, कमाल कर दिया आपने, है ना? बहुत बढ़िया। रात के समय में 3 जगह आग लगती है, स्कूल, मंदिर और हॉस्पिटल में। तो बताइए सबसे पहले फायर ब्रिगेड वाले कहाँ पर आग बुझाएंगे? हॉस्पिटल में। ओके आप बताइए, उनका मत सुनिए। हॉस्पिटल में। उनका भी मत सुनिए, आप बताइए सही क्या होगा? स्कूल, हॉस्पिटल और मंदिर। हाँ अब बताइए। हॉस्पिटल। हॉस्पिटल? कैसे हॉस्पिटल में? क्यों? रात को हॉस्पिटल में पेशेंट मिलेंगे, बाकी कॉलेज और मंदिर में रात को कोई नहीं। एग्जैक्टली। हाँ शेर। ऐसी कौन सी सब्जी है जिसके अंदर ताला और चाबी दोनों आता है? लौकी। लौकी? लौक की। क्या बात है यार, मतलब लौकी ज़्यादा पसंद है क्या? सब्जियाँ ज़्यादा पसंद है। हाँ ऐसा कौन सा सब्जी है जिसमें ताला और चाबी दोनों आता है? ये तो पता होगा। ताला और चाबी है? हाँ मैं लौकी। वाह लौकी, सही बात है। ऐसा कौन सा रूम है जिसमें दरवाजे नहीं होते? कौन सा रूम है जिसमें दरवाजे नहीं होते? हाँ ये बात फंस गए, अब फंस गए। बुलंद दरवाजा। हाँ बुलंद दरवाजा। बुलंद दरवाजा? नहीं नहीं नहीं, गेट है। दरवाजा कहाँ? उसमें नहीं, मैं रूम की बात कर रहा हूँ। ऐसा कौन सा रूम है जिसमें दरवाजे नहीं होते? मशरूम। मशरूम? क्या बात है, क्या बात है। कहाँ तक, मतलब कौन सी पढ़ाई कर रहे हो आप इस टाइम? मैं पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स कर रही हूँ। पॉलिटिकल साइंस है? अच्छा ये बताइए, मान लीजिए अगर राष्ट्रपति है, उसने किसी का मर्डर कर दिया, राष्ट्रपति, तो क्या उसे फांसी हो सकता है, सजा हो सकती पहले है? उनको अपने राष्ट्रपति पद को त्यागना पड़ेगा, फिर उसके बाद उनके ऊपर कोई कार्रवाई हो सकती है। क्या बात है भाई, सही है। मान लीजिए आप गहरी नींद में सो रही हैं और आपकी नींद किसी ने डिस्टर्ब कर दी, तो ये आपके कौन से आर्टिकल अनुच्छेद के अंदर आ जाता है? राइट टू प्राइवेसी। राइट टू प्राइवेसी? राइट टू प्राइवेसी नहीं, ये जो अपना है ना IPC, IPC के बारे में थोड़ी बहुत। पेनल कोड। हाँ इंडियन पेनल कोड। इंडियन पेनल कोड कब आया था?
लागू कब हुआ था? छोड़िए, कोई बात नहीं, 1862 में, आई थिंक 1860 में वो बनकर तैयार हो गया था. और अच्छा, इंडियन पेनल कोड के अंदर एक आईपीसी का सेक्शन आता है, मैं वो नहीं बताऊंगा, मैं बस ये बताऊंगा कि मान लीजिए आप कहीं जा रहे हो, ठीक है, क्योंकि आप एक लड़की हो और बहुत सारी लड़कियां देख भी रही हैं वीडियो, तो मान लो आप कहीं जा रहे हो और पीछे से कोई लड़का आप पे ना कमेंट करता है, ठीक है, किस आईपीसी के तहत वो सजा होगा उसको? नॉट श्योर अबाउट इट. आईपीसी का सेक्शन 354 आई थिंक है. ओके, है ना, 354 में है ना, Maybe 354. अगर कोई भी लड़का हो या कोई भी हो, अगर किसी लड़की को डिस्टर्ब करता है, परेशान करता है, स्त्री लज्जा भंग के अंदर आ जाता है, वो आर्टिकल 354 के अंदर आ जाता है, 354 के अंदर. और वो मैम सच में आप पॉलिटी के स्टूडेंट हैं, और थोड़ी बहुत जो होता है ना, ये बहुत ज़्यादा डीप में, तो मेरे ख्याल से लीगल नॉलेज टेस्ट कर ली मेरी. अरे नहीं, मतलब आप ठीक है, anyways. आपका जो है ना प्रेजेंट ऑफ माइंड, वो वाकई बहुत ज़्यादा शार्प है, तुरंत चीज़ों को पकड़ रही हैं आप और फटाफट रिप्लाई कर रही हैं. आज सच में आप कलेक्टर बनेंगे. मान लीजिए आपको भूख लगी है, ठीक है, बहुत तेज़ से भूख लगी है, आप कहीं जा रहे हो और दुकान पे कुछ रखा हुआ है, दुकानदार नहीं है, खाने की चीज़ है, और आपने उठा के उसको खा लिया, तो क्या वो जुर्म है, अपराध है? हाँ, अपराध है. बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा. हर हर महादेव. हर हर महादेव. थैंक यू मैम. जय बाबा.